मत्स्य पुराण के एपिसोड 12 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आइए श्रोताओं, आज मैं आपको मत्स्य पुराण का एपिसोड 12 लेकर के उपस्थित हूं और इसमें बहुत ही शानदार कथा आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। एक अद्भुत कथा है, चंद्रमा कितने वर्षों तक गर्भ में रहे। चंद्रमा के ऊपर लक्ष्मी जी क्यों आसक्त हो गई? देखिए श्रोताओं, कथा बहुत ही रहस्यपूर्ण है और प्रामाणिक भी है। मैं इसका प्रमाण वीडियो में साथ में लगा दूंगा, परंतु आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब मैं आपको इस चैनल पर कोशिश करूंगा कि हर दूसरे दिन एक एपिसोड आपकी सेवा में प्रसारित करूं। तो आइए श्रोताओं, मैं ये कथा आरंभ कर रहा हूं। ऋषियों ने कहा, शास्त्र विशारद सूत जी, पितरों के अधीश्वर चंद्रमा किस प्रकार से उत्पन्न हुए? उनके वंश में जो परम यशस्वी, परम तेजस्वी राजागण हो गए हैं, उन सबके वृतांत को भी हम सुनना चाहते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषिगणों, ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी की आज्ञा प्राप्त कर महर्षि अत्रि ने प्राचीन काल में सृष्टि के विस्तार के लिए संपूर्ण विधियों से युक्त सर्वश्रेष्ठ तप किया था। महर्षि अत्रि के इस उग्र तप के महत्तम से संसार के कलेशों के विनाश करने वाले, परम आनंददायक भक्तजनों को शांति प्रदान करने वाले ब्रह्मा जी, जो अगोचर रूप से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तथा सूर्य के अंतर में निवास करने वाले हैं, उनके नेत्रों के अंतर प्रदेश में अवस्थित हुए। जो कि अत्रि के नेत्र थे, उनके आंतरिक भाग में वो अवस्थित हो गए। उमा के साथ शंकर जी अत्रि के समीप उपस्थित हुए। उन्हें सम्मुख देखकर आठवें अंश से उन्हीं महर्षि अत्रि के बालक के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। देखिए, आपने सुना होगा और कई कथाएं प्रचलित भी हैं कि महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ से दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय का जन्म हुआ था, परंतु ये कथाएं कल्प कल्पांतरों की हैं। जो मैं कथा मत्स्य पुराण से सुना रहा हूं ये अलग कल्प की है, और जो कथाएं आप सुनते आए हैं वो भी अलग अलग कल्पों की कथाएं होती हैं। इन पर भी एक दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। महर्षि अत्रि के दोनों नेत्रों से जल रूप में परिणत होकर ब्रह्मा जी का वह तेज अपनी किरणों से सारे चराचर जगत को प्रकाशित करता हुआ नीचे गिर पड़ा। दिशाओं ने, जो दसों दिशाएं होती हैं, जब उन्होंने ये देखा कि अत्रि जी के नेत्रों से ब्रह्म तेज पृथ्वी पर गिर पड़ा है, तो दिशाओं ने स्त्रियों का रूप धारण कर लिया और स्त्री रूप धारण कर पुत्र की कामना से उस तेज को ग्रहण कर लिया दसों दिशाओं ने। इस प्रकार दिशाओं के उदर में गर्भ रूप में परिणत होकर चंद्रमा जी पलने लगे, और चंद्रमा को दिशाओं के गर्भ में 300 वर्ष व्यतीत हो गए। थोड़ा बहुत समय नहीं, 300 वर्षों तक चंद्रमा उदर में रहे, गर्भ में रहे। इसके उपरांत जब बहुत अधिक दिनों तक गर्भ रूप में चंद्रमा धारण किया दिशाओं ने, तो दिशाएं परेशान हो गई और उसे धारण करने में असमर्थ हो गई। तो दिशाओं ने विचार किया कि इसको बाहर फेंक दिया जाए। तो उन दसों दिशाओं ने चंद्रमा को गर्भ में धारण करने से परेशान होकर के जमीन पर गिरा दिया। इस प्रकार दिशाओं द्वारा छोड़े गए उस गर्भ को जब चतुर्मुख ब्रह्मा ने देखा, तो ब्रह्मा जी एकाकार होकर सभी प्रकार के शास्त्रार्थों से धारण करने वाले सुसज्जित एक युवक के रूप में, एक युवा के रूप में उस तेज को परिणत कर दिया स्वयं ब्रह्मदेव ने, और वेद शक्ति से संपन्न एक सहस्त्र घोड़ों वाले रथ पर बिठाकर उस बालक को, उस दिव्य बालक को अपने लोक को ले गए। जहां जाने पर चंद्रमा को देखकर सभी
ब्रह्म ऋषियों ने कहा, ये हमारे स्वामी हो। तदनंतर ऋषियों के साथ पितृगण, देव, गंधर्व और औषधियों ने भी एक साथ सोम देवत मंत्रों से चंद्रमा की स्तुति की। उन सभी की स्तुति करने से चंद्रमा की जो तेजस्वता थी और अधिक हो गई, और उस तेज पुंज से पृथ्वी पर अनेक दिव्य गुणों वाली औषधियां उत्पन्न हुई। चंद्रमा से उत्पन्न होने के कारण ही औषधियों की दीप्ति सर्वदा रात्रि में ही अपेक्षाकृत अधिक हुआ करती है। इसी कारण से चंद्रमा औषधीश अथवा द्विजेश ब्राह्मणों के स्वामी के नाम से भी पुकारे जाते हैं। वेद धाम रस रूप शुक्र प्रकाश देने वाला, शांत तथा तेजो में प्रकाश मंडल में सर्वथा शुक्र पक्ष में वृद्धि करता हुआ तथा कृष्ण पक्ष में हास होता हुआ दिखाई देता है। जब चंद्रमा की उत्पत्ति हो गई और उसे पृथ्वी की परिक्रमा करने का कार्य ब्रह्मदेव ने सौंप दिया, और चंद्रमा रूपशील गुणों से संपन्न, चंद्रमा के समान सुंदर दूसरा कोई नहीं था, उन्हें ब्रह्मदेव ने एक अलग लोक का निवासी बनाया जो चंद्रलोक नाम से विख्यात है। जब प्राचेतस दक्ष प्रजापति ने, यह देखिए दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति कई पुराणों में अलग अलग तरीके से दिखाई गई है, लेकिन यह जिस कल्प की कथा है वहां प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति हुई, और दक्ष प्रजापति ने अपनी तेजस्वी रूप तथा सौंदर्य से संपन्न 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया, जो 27 नक्षत्रों के नाम से विख्यात हुए। ज्योतिष में उन नक्षत्रों का बड़ा महत्व है, समय सारणी में उन नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। हर नक्षत्र में उत्पन्न होने वाले बाले बालक, किए गए कार्य और जो भी हम शुभ अशुभ कर्म करते हैं उनके अलग अलग फल होते हैं। तदनंतर चंद्रमा ने ब्रह्मा के 11,000 वर्ष पर्यंत विष्णु भगवान का ध्यान किया, एकाग्रचित होकर के घोर तपस्या की, जिससे संतुष्ट होकर विष्णु भगवान ने, जो जनार्दन दुष्टों के विनाशक थे, परमात्मा स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म एवं नारायण जल राशि में शयन करने वाले की उपाधियों से विभूषित है, चंद्रमा से कहा, वरदान मांगो वत्स। भगवान विष्णु की ऐसी बात सुनकर चंद्रमा ने वरदान मांगते हुए कहा कि हे नारायण, हे पार ब्रह्म, यदि आप मुझ पर वास्तविकता में प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मैं चाहता हूं कि इंद्र को जीतकर इंद्रलोक पर मेरा अधिकार कर लूं, जिससे देवगण प्रत्यक्ष रूप से हमारे घर आ आकर आहार ग्रहण करें, यज्ञ में राक्षसों द्वारा होने वाले विघ्नों को नाश करने के लिए त्रिशूल धारण करने वाले स्वयं भगवान शिव मेरे यज्ञ में उपस्थित हों, मेरे घर पर राजस्व यज्ञ के महोत्सव में साक्षात ब्रह्मा आदि देवगण यज्ञ को संपन्न करने वाले ब्राह्मण बने, विष्णु भगवान द्वारा वरदानों को स्वीकार करने के उपरांत चंद्रमा ने राजस्व यज्ञ किया। भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया कि ऐसा ही हो वत्स, और उसके बाद चंद्रमा ने एक राजस्व यज्ञ का आयोजन किया। स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा का पद ग्रहण कर उस यज्ञ में उपद्रष्टा बने, शनक सनंदन आदि ऋषिगण भी उस यज्ञ के विधान में सदस्य बने, जिसमें होता स्वयं ब्रह्म ऋषि अत्रि थे, अवर्तु भृगु थे, उद्गाता स्वयं ब्रह्मा जी बने थे। ऐसा सुना जाता है कि दसों विश्व देवगण सोम रस पीने वाले बने। चंद्रमा ने अपने इस महान राजस्व यज्ञ की दक्षिणा में तीनों लोकों को पुरोहितों को दान कर दिया। यज्ञांत यानी यज्ञ के अंत में स्नान कर लेने के उपरांत चंद्रमा के परम मनोहर रूप को देखने की अतिशय इच्छुक काम बाण से व्यथित निम्नलिखित 9 देवियों ने उनकी आराधना की थी, जिन्होंने अपने पतियों को छोड़ दिया और चंद्रमा की स्त्रियां बनने की इच्छा जाहिर की। यह प्रामाणिक कथा है, मैं इसका प्रमाण साथ में लगा रहा हूं। स्वयं लक्ष्मी जी ने नारायण को छोड़ दिया, सिनी वाली ने कर्दम को छोड़ दिया, दिति ने विभा विभु को छोड़ दिया, तुष्टि ने कर्म को छोड़ दिया, और
प्रभा ने सूर्य को, कुहू ने अभिमान को, कीर्ति ने जयंत को, बसु ने मरीचि नंदन कश्यप को छोड़ दिया। धरती ने अपने आराध्य पति नंदी को छोड़कर सोम की सेवा करने का निश्चय प्रकट किया। सोम ने भी उन नव देवियों को अपनी पत्नी की भांति सादर ग्रहण कर उनके साथ भोग विलास भी किया। ऐसा ये लिखा हुआ है। आप ये कहें मनगढ़ंत, मनगढ़ंत नहीं है, ये लिखित है और मैं लिखित साथ में लगा दूंगा। उन नव देवियों के पतिगण इस प्रकार स्त्रियों से जब उन्हें पता चला कि उनकी स्त्रियों ने चंद्रमा का वरण कर लिया है, तो वो चंद्रमा को हानि पहुंचाने लगे, चंद्रमा को श्राप अथवा युद्ध में शस्त्रादि द्वारा मारने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी हानि नहीं पहुंचा सके। उन लोगों के अनेक प्रकार की हानि पहुंचाने की चेष्टा करने पर भी चंद्रमा दसों दिशाओं में विराजमान होकर सुशोभित होते रहे और अपने उग्र तप के प्रभाव से ऋषि कल्पित दुस्साध्य ऐश्वर्य की प्राप्ति करके भूवादि सातों लोकों पर उसने एक छत्र आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो देखिए श्रोताओं, चंद्रमा ने इस प्रकार से संपूर्ण चंद्रलोक पर, ग्यारह सातों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया और वो चंद्रलोक के अधीश्वरों के और चंद्रवंशी राजाओं के स्वामी बन गए। पितृगणों के भी स्वामी चंद्रमा ही थे। देखिए श्रोताओं, यहां से आगे का जो वर्णन है अगली कथा में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। अगली कथा बहुत ही शानदार होने वाली है, उसे ध्यान लगा करके सुनिएगा। और अब आपको प्रतिदिन मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।